और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है उसका चुनाव करना है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस में आपको एड्रेस फिल करना है, आपका जो एड्रेस प्रूफ आप अपलोड करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ एड्रेस जो है फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और प्रेमिसेस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस के रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, अगर दोनों अलग है तो दोनों में अलग अलग एड्रेसेस आप जो है मेंशन करेंगे। नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, प्लस ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसको बिलोंग करता है वो आपको उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। देन यहाँ पे आप कितने साल के लिए इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप एक साल के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, बट हमारी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि आप यहाँ पे 5 साल का चुनाव करें ताकि आपको हर साल जो है इस पूरे प्रोसेस को दोहराने की जरूरत ना पड़े। फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको फूड कैटेगरी का सिलेक्शन करना होगा, तो यहाँ पे फूड कैटेगरी जो है वो 5 फूड कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे, 1, 2, 6, 13 और 14, मतलब 1, 2, 6, 13, 14। फूड कैटेगरी चुनाव के लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और एक एक करके फूड कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव एंड ऐड का ऑप्शन करते जाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे फूड कैटेगरी जो है वो आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। देन यहाँ पे FSM नंबर में कुछ भी नहीं डालना है, नॉट एप्लीकेबल है। अदर डिटेल में जो यहाँ पे इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट है यहाँ पे आपको उस दिन का डेट डालना है जिस दिन आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज के दिन पे कर रही हूँ तो मैं 7 तारीख का डेट डालूंगी, अगर मैं कल के दिन में कर रही हूँ तो मैं जो है 8 तारीख का डेट डालूंगी। फिर यहाँ पे वाटर सप्लाई का सोर्स जो है वो नॉट एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रिक पावर भी आपको नो पे सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। आपने जो भी फूड कैटेगरी सिलेक्ट की है उसका मेंशन यहाँ पे आ जाता है, आप यहाँ पे एक बार रीचेक कर लें और फिर प्रोसीड का ऑप्शन क्लिक करें। अब जिस तरीके से आप जब एमवे से जुड़ते हैं तो आप अपना साइन इन डिटेल जो है उसको क्रिएट करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस FSSAI के वेबसाइट पे भी आपको वही चीज करनी है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ये पर्टिकुलर डिटेल किनको बिलोंग करता है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल ऑप्शनल है, और फिर यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल किया हुआ रहेगा, ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा, आपने सिर्फ आपका पासवर्ड यहाँ पे बना के डालना है और यहाँ पे दोबारा आपको पासवर्ड रीटाइप करना है। यहाँ पे नीचे दी गई कैप्चा को कैप्चा बॉक्स पे आपको एंटर करना है, जैसे आप इसे एंटर करते हैं तो आपको एक OTP आ जाता है आपके मोबाइल नंबर पे, OTP जैसे आप कंफर्म करते हैं तो इस तरीके से आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया है, उसका एक पॉपअप आ जाता है। यहाँ पे आपको आपका लॉगिन आईडी जो है वो मिल जाता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख ले सेव करके, ताकि आपको फर्दर अगर आप भूल गए लॉगिन आईडी तो आप उसे रेफर कर सके, अदरवाइज ये जो डिटेल है ये आपको ईमेल के थ्रू भी मिल जाती है, जो भी आपने ईमेल जो आपने मेंशन किया है लॉगिन डिटेल में तो उस पर आपको ये यूजर डिटेल मतलब आपका लॉगिन डिटेल भी मिल जाता है। देन ओके पे क्लिक करने पे आपको अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पेज पे रीडायरेक्ट किया जाता है, जहाँ पे आपको एक एक करके सारे तीन ऑल थ्री डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो यहाँ पे पहला फोटो आपको अपडेट करना है, अपलोड करना है, फिर आईडी प्रूफ करना है। आईडी प्रूफ का आप यहाँ पे अगर लिस्ट देखें तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आईडी प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आईडी प्रूफ और आपका जो एड्रेस प्रूफ है दोनों ही सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपको आपका जो प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस है वो अपलोड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस सिलेक्ट करेंगे, फिर चूज फाइल को क्लिक करके आप फाइल चूज कर लीजिए, फिर अपलोड का ऑप्शन क्लिक करने पे आपका प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस भी अपलोड हो जाता है। उसी पेज पे नीचे में आपको डिक्लेरेशन मिल जाता है जिसको पढ़ के आपको कंफर्म करना है इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके।
यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिस भी मोड ऑफ